कौन? आंटी मैं हूँ सुफियान। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ आंटी, अदील कैसा है? ठीक ही है बेटा, जिस हाल में उसे अल्लाह ने रखा है ठीक ही है बस। आंटी अल्लाह मुश्किलें आसान फरमाने वाला है, आप परेशान ना हुआ करें। किधर है अदील? अंदर ही आ जाओ बेटा। अदील बेटा, सुफियान आया है। अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। सुफियान बेटा, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं आंटी, आप तकल्लुफ ना करें, कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे भी मैं अभी अदील को लेकर बाहर जा रहा हूँ। नहीं यार, बाहर जाने का दिल नहीं चाह रहा। अरे वो क्यों? क्या करूँगा बाहर जाकर, क्योंकि अब मेरी जिंदगी बस इस चार दीवारी तक ही महदूद है। मुझे अब इस चार दीवारी के अंदर ही रहना है, क्योंकि अब यही मेरा मुकद्दर है। अदील तुम तो बहादुर इंसान हो यार, इतने बड़े हादसे से तुमने सरवाइव किया है, तो फिर अब क्यों मायूस हो गए हो? अल्लाह इस मामले में भी मदद करेगा, तुम बस हिम्मत कायम रखो। इंसान हिम्मत करे तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम खुद बाहर आने जाने लगोगे। अब उठो मेरे साथ चलो। अदील तुम्हारे राइट साइड पर चेयर है और सामने की तरफ टेबल है, और मैं तुम्हारे सामने वाली चेयर पर बैठ रहा हूँ। अच्छा बताओ क्या खाओगे, बर्गर या कुछ और? कुछ भी मंगा लो। तो फिर मैं बर्गर ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, जैसा तुम चाहो। जी सर, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? दो बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ले आओ। ठीक है सर। देखो अदील, जिंदगी हर हाल में चलती रहती है, अगर अल्लाह ने तुमसे नजर वापस ले ली है तो अल्लाह तुम्हें इसके बदले में कुछ न कुछ बेहतर जरूर अता फरमाएगा। बस तुम्हें हौसला नहीं हारना, उम्मीद नहीं छोड़नी। नजर जाने के बाद भी तुम एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नजर नहीं आता, मगर वो अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से जी रहे हैं, अपनी जिंदगियों में बहुत खुश हैं। आज मेरा एक दोस्त भी मुझे बता रहा था कि उसका एक कज़न भी नाबीना है, और वो रोज़मर्रा के सब काम आराम से कर लेता है। उसने मुझे एक इदारे के बारे में भी बताया है जहां नाबीना अफराद को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं, जिनके बाद कोई भी नाबीना फ़र्द बआसानी तमाम काम कर सकता है और एक खुशगवार और भरपूर ज़िंदगी जी सकता है। मैं एक दो दिन में ख़ुद वहाँ जाऊँगा और मालूमात हासिल करूंगा। मैं तुम्हारे लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ता तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा। मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं यार। अचानक से जिंदगी में अंधेरा हो जाना बहुत अज़ियतनाक और तकलीफ देह है। घर में बैठ बैठ कर भी मैं उकता गया हूं। कभी कभी तो मेरा दिल बहुत ज्यादा ही घबराने लगता है, अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। मैं समझ सकता हूँ यार, तुम एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी पैदा फरमाए। अल्लाह जब अपने बंदे से कोई चीज़ ले लेता है तो उसे उसके बदले में कोई बेहतर चीज़ भी अता फरमाता है। मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हें भी कुछ न कुछ बेहतर ज़रूर अता फरमाएगा। सर ये रहा आपका ऑर्डर। अदील प्लेट मैंने तुम्हारे सामने रख दी है।
और ये बोतल का गिलास तुम्हारे दाएं हाथ की तरफ प्लेट के बिल्कुल साथ है, एक बार खुद चेक कर लो। ठीक है, ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। मेरा नाम सुफियान है, आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम फारूक है, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? असल में मैं यहाँ अपने एक दोस्त के लिए मालूमात लेने के लिए हाजिर हुआ हूँ। कुछ अरसा पहले वो एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गया था, जिसमें उसकी बीनाई चली गई। आजकल वो काफी परेशान है। मुझे एक दोस्त से इस इंस्टीट्यूट का पता चला है, उसने मुझे बताया है कि आप नाबीना अफराद को मुख्तलिफ कोर्सेज करवा रहे हैं। मुझे इस बारे में मालूमात हासिल करना थी। जी, हम विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस को मुख्तलिफ कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल और दीगर कोर्सेज शामिल हैं। क्या आप मुझे अपने ट्रेनिंग सेंटर का विजिट करवा सकते हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि नाबीना अफराद कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। जी जरूर, चलिए मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। हमारा ट्रेनिंग सेंटर सेकंड फ्लोर पे है, आइए मेरे साथ। Google Chrome 9 of 23. New tab, toolbar, address and search bar, edit as auto complete CTRL plus L search Google or type a URL blank. Assalamu alaikum Sohail saab, ये Sufyan saab, इनका एक दोस्त ब्लाइंड है और ये उनके लिए यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। आप इनको गाइड कीजिए कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन किस तरह मोबाइल और कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुफियान, ये हमारे ट्रेनर सुहेल साहब हैं, ये खुद भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम बच्चों को मोबाइल और कंप्यूटर किस तरह चलाना सिखाते हैं। डेस्कटॉप लिस्ट रिसाइकल बिन 1 ऑफ 23 मूवी मेकर डॉट एक्स शॉर्टकट 2 ऑफ 23 जॉस 2023 ऑफ 23 एनवीडीए 4 ऑफ 23 Total audio MP3 converter 5 of 23. ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है जो स्क्रीन पर मौजूद एलिमेंट्स को हमें पढ़कर बता देता है। इस तरह हमें ये पता चलता रहता है कि हम क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो ये साथ साथ उसे अनाउंस करता रहता है। Start window, search window, search box, edit blank. Notepad, system, press right to switch preview 1 of 1 level 1. Untitled Notepad Text Editor Edit Multi-Line Blank M Y My Space N A M E Name Space I S Is Space S U H A I L Suhail Dot फिर हम अपने लिखे गए टेक्स्ट को सुन सकते हैं। My name is Suhail और अगर उसमें कोई तब्दीली करनी हो तो भी कर सकते हैं। इसी तरह हम कंप्यूटर में कोई भी काम करना चाहें तो ये सॉफ्टवेयर हमें वॉइस फीडबैक के ज़रिए गाइड करता रहता है और हम बआसानी अपना काम कर लेते हैं। मोबाइल में भी इसी तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है और फिर हम मोबाइल को भी बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, मैं समझ गया हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने उस दोस्त के साथ दोबारा आपके पास हाजिर होऊंगा। अदील, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। मैंने उस इंस्टीट्यूट को विजिट कर लिया है। मैं खुद देखकर आया हूँ कि नाबीना अफराद किस तरह कंप्यूटर और मोबाइल चलाना सीख रहे हैं। मैं वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जो टीचर्स दूसरों को मोबाइल और कंप्यूटर ऑपरेटिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो खुद भी नाबीना हैं। मैं वहाँ तुम्हारे हवाले से बात कर आया हूँ। बस अब तुम जहनी तौर पर तैयार हो जाओ, हम एक दो दिनों में वहाँ जा रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि बिना देखे मोबाइल और कंप्यूटर कैसे चलाया जा सकता है। जब से मेरी आईसाइट गई है, मैं तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये सब तुम्हें वहाँ जाकर पता चलेगा।
बस एक दो दिन रुको, तुम्हारे अंदर चीजों को जानने का तजस्सुस होगा तो तुम ज्यादा अच्छे से वहाँ जाकर सीख सकोगे। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई। वालेकुम सलाम नबील, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ यार। आप लोग ये तकल्लुफ मत किया करो, ये मेरा अपना घर है, मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं खुद कह दूंगा। कोई बात नहीं सुफियान भाई। खैर, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? अच्छी चल रही है। शाबाश, दिल लगा कर पढ़ो। अदील भाई, ये आपकी चाय। ठीक है, शाबाश सुफियान। अच्छा मुझे ये तो बताओ, किस जगह है ये इंस्टीट्यूट? नजदीक ही है, मेरे ख्याल से उनकी जानिब से स्टूडेंट्स को पिक एंड ड्रॉप भी दिया जाता है। अगर ऐसा ना भी हो तो भी इंस्टीट्यूट ज्यादा दूर नहीं है। कहाँ जाना है सुफियान भाई? मैं ले जाऊंगा अदील भाई को। मैं अदील को एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला रहा हूँ, वहाँ अदील को सीखने के लिए बहुत कुछ है। वैसे मुझे उम्मीद है एक हफ्ते में ही तुम खुद वहाँ आने जाने लगोगे इंशाल्लाह। इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। चलो अब मैं चलता हूँ, आंटी को मेरा सलाम कहना, मैं एक दो दिन के अंदर ही तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। अदील, आप इस वाली चेयर पर बैठ जाओ। सर, ये है मेरा दोस्त अदील, जिसके बारे में मैंने आपसे कुछ दिन पहले बात की थी। अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मुझे आपके दोस्त ने आपके बारे में बताया था, उन्होंने मुझे बताया था कि आपके विजन एक एक्सीडेंट में चली गई थी। जी सर, उन्हें एक रोड एक्सीडेंट का शिकार होकर बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। जान तो गज गई लेकिन नजर चली गई। हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत होती है, इस काम में भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत पोशीदा होगी। बहरहाल आप दुरुस्त जगह पहुंचे, यहाँ आपके जैसे कई विजुअली इम्पेयर्ड अफराद मौजूद हैं और उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनकी नजर आप ही की तरह बाद में गई है। सुफियान ने आपको बताया होगा कि हम यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस को मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज करवाते हैं और उन्हें एम्पावर करने में मदद करते हैं। जी जी, मुझे सुफियान ने बताया था और मैं काफी एक्साइटेड हूँ सीखने के लिए। हाँ तो फिर देर किस बात की है, हम अभी आपका एडमिशन कर लेते हैं। बस इसमें कुछ जरूरी मालूमात दरकार है, जिसमें आपका नाम और आपका एड्रेस वगैरह। आप मुझे बताते जाइए, मैं आपका फॉर्म फिल कर लेता हूँ। आपका नाम? मोहम्मद अदील। सुहेल साहब, आपकी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, मैं सुफियान हूँ, कुछ दिन पहले आपसे मिला था। जी मुझे याद है। मैं अपने दोस्त को लेकर आया हूँ, इनका नाम अदील है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इनका एडमिशन हो गया, आप आज ही से इनकी क्लास स्टार्ट करवा दें। जी ठीक है, आइए अदील इस चेयर पर बैठिए। गुड अदील, आपकी मोबिलिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई, आप अब इंडिपेंडेंटली मूव करने के काबिल हो गए हैं। जी सर, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं अब स्टिक की मदद से काफी अच्छे से मूव कर सकता हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है और यहाँ आकर मेरे अंदर आगे बढ़ने की एक नई उम्मीद पैदा हुई है। मुझे आपके अंदर ये आगे बढ़ने की उम्मीद देखकर बहुत अच्छा लगा। हमारा मकसद भी यही है कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस में आगे बढ़ने की उम्मीद पैदा की जाए। चलिए अब आपकी कंप्यूटर और मोबाइल की क्लास का वक्त हो गया, गुड लक फॉर योर क्लास। थैंक यू सर। सुहेल
Start window, search window, search box edit blank. End. Level 1 notepad, system, press right to end titled notepad, text editor edit multi-line blank. जी अदील, लिख लिया आपने? जी सर. A quick brown fox jumps over the lazy dog. Very good. आपको कीबोर्ड की सारी कीज का पता चल गया है. अब हम डिफरेंट कमांड्स सीखेंगे और ये जानेंगे कि इन कमांड्स के साथ हम किस तरह काम कर सकते हैं. कौन? अंगी मैं हूँ अदील. दरवाजा खोले. अस्सलाम वालेकुम अंगी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ. तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा अंगी जान, मैं वहाँ कर बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ. नगील कहाँ है? अंदर ही है. मुझे नगील से अपने मोबाइल की और कंप्यूटर की कुछ सेटिंग करवानी है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो सुफियान? मैं तो ठीक हूँ अदील, तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और खुश भी हूँ. अब मैं सक्सेसफुली अपना मोबाइल और कंप्यूटर चला लेता हूँ भाई. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा. अच्छा, शाम को तुम फ्री हो? हाँ मैं फ्री ही हूँ. अच्छा फिर ठीक है, शाम को मुलाकात होती है. ठीक है, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. यार सुफियान, तुम्हारा स्पेशल थैंक्स कि तुमने मेरी इतनी मदद की और मुझे इस मायूसी से निकाला. मैं सच में बहुत मायूस हो गया था. सच में ऐसा लग रहा था कि जिंदगी बेमायने हो गई है. मनफी ख्यालात ने मुझे बहुत बुरी तरीके से जकड़ लिया था और तुम्हारी बदौलत मुझे उम्मीद की एक नई किरण मिली. हाँ, जिंदगी अब पहले जितनी तारीख नहीं लगती, अब आगे बढ़ना बहुत आसान हो गया है. मुझे तुम्हारे अंदर ये पॉजिटिविटी देखकर बहुत खुशी हो रही है. इंशाल्लाह आगे भी रास्ता निकलेगा. तुम्हारा कोर्स कितना हो गया है? बस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है, एक वीक और है. सही. तुमको पता है मैंने अब अपनी स्टडी को दोबारा से कंटिन्यू करने का फैसला किया है. तुमको पता है सुफियान, इस कोर्स के बाद मेरे काफी रास्ते खुल गए हैं और मुझे ऑडियो बुक्स और ब्रेल के बारे में भी पता चला है. इनकी मदद से मैं अपनी स्टडी को एक बार फिर से दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ. ये तो बहुत अच्छी बात है. किसी जगह मेरी हेल्प की जरूरत हो तो जरूर बताना. इंशाल्लाह जी मेरे दोस्त, अगर जरूरत पड़ी तो जरूर बताऊंगा. अस्सलाम वालेकुम सर, मे आई कम इन? जी जी, तशरीफ लाइए. सर, मेरा नाम अदील है. आज से तकरीबन 5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मेरी आई साइट चली गई थी, जिसकी वजह से मेरी स्टडी रुक गई थी. लेकिन मैं अब अपनी स्टडी दोबारा से कंटिन्यू करना चाहता हूँ. ये मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं. अदील भाई, आपका नाम एडमिशन लिस्ट में आ गया है. माशाल्लाह, मुबारक हो बेटा. शुक्रिया अम्मी.